हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जेमिनी एसेंडेंट में अगर सैटर्न सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वो कैसा असर देता है। सबसे पहले बोल देते हैं कि जेमिनी एसेंडेंट में अगर सैटर्न बैठा है तो जेमिनी का जो ओनर है वो है मरकरी, और मरकरी यहाँ पे सैटर्न का फ्रेंडली प्लैनेट है। फ्रेंडली है दोनों एक दूसरे के साथ, तो इन दैट सिनेरियो सैटर्न यहाँ पे बैठ के इंसान को एक अच्छा लाइफ स्पैन देने की कोशिश करता है, और अच्छा लाइफ स्पैन इंसान को मिलता है क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इंसान की लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छी हो जाती है। इंसान उतना अपेयरेंस में अच्छा नहीं दिखता है, वो इतना सुंदर नहीं होता है, बिकॉज़ यहाँ पे सैटर्न जब लगन में बैठता है तो वो सैटर्न अपने थोड़े ट्रेड्स इंसान की पर्सनैलिटी पर दे देता है। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपको स्ट्रगल के थ्रू पैसा दिलाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में, सैटर्न जो है वो प्रैक्टिकल प्लैनेट है, तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ाता है, लेकिन आपको यहाँ से पूरा पैसा देने का काम करता है अगर आप मेहनत करते हो तो। अब बात आती है जी सैटर्न के जो दो राशि है, तो भाग्यश होके अगर सैटर्न यहाँ पे बैठा है 3rd हाउस पे, क्योंकि 10th और 11th हाउस दोनों सैटर्न के होते हैं, और अगर 10th हाउस यहाँ पे आठवां घर है आपका, और भाग्यश 9th हाउस में 11 नंबर लिखा है, तो ये दोनों का ओनर होकर अगर वो केंद्र में बैठा है तो आप ये ले लीजिए कि आयु और भाग्य दोनों आपके साथ होंगे। आपको भाग्य में कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने अचीवमेंट, अपने सक्सेस को लेने के लिए। पैसा आपके पास रहेगा क्योंकि भाग्य का ओनर केंद्र में बैठा है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न जो नेगेटिव क्वालिटीज़ देता है वो उसकी दृष्टि से देता है, क्योंकि जहाँ पे भी सैटर्न बैठता है वो घर तो वो अच्छा कर देता है, लेकिन उसकी जो दृष्टिज होती है, उसकी जो एक्सपेक्ट्स होते हैं, उससे वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जहाँ जहाँ वो देखता है। तो यहाँ से अगर सैटर्न 1 2 3 तीसरी दृष्टि से अगर 3rd हाउस में देखता है, जहाँ पे 5 नंबर बैठा है, 5 नंबर लिखा है, मतलब सन का हाउस है ये आपके लगन के हिसाब से, आपके एसेंडेंट के हिसाब से, अगर यहाँ से सैटर्न 3rd हाउस पे देख रहा है तो भाई बहन, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप या उनके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। स्ट्रगल थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि एज आई सेड कि स्ट्रगल बढ़ाता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्लैनेट है तो स्ट्रगल बढ़ाता है लेकिन आपको फल ज़रूर प्रोवाइड करता है। साइमल्टेनियसली अगर सातवीं दृष्टि 9th हाउस पे देखता है तो गुरु को देख रहा है, तो गुरु और सैटर्न, सैटर्न गुरु को मानता है, इट्स अ न्यूट्रल फॉर सैटर्न, तो हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अगर गुरु अच्छा है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, पोजिशन में नहीं है, तो सैटर्न यहाँ पर कॉम्युनिकेशन या एक तरीके से कुछ ना कुछ अलग तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और फादर के साथ भी यहाँ पर 10th हाउस में 10th एस्पेक्ट से फादर का भी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप आपके साथ उतना अच्छा नहीं रहेगा, या फादर के साथ तो रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसका उपाय करेंगे, अगर आप इसका कुछ इनके गुरु को अगर आप देखेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये मेरा मरकरी जो प्लैनेट है, जेमिनी का ओनर है, उसके हाउस में जेमिनी